मकान बनाना है तो पैसे देने पड़ेंगे, बात खत्म, ये तो देने ही पड़ेंगे आपको, नहीं मकान नहीं बनाओ। केजरीवाल जी ने ये बोला, उन्हीं की हिम्मत करके आज मैंने अपना मकान तोड़वा लिया, उन्हीं के कहने पे। अगर उनकी बात नहीं मानता मैं, इनको रिश्वत दे देता तो मेरा मकान आज नहीं टूटता केजरीवाल जी। ये सिर्फ ओनली आपके कहने पे ही मैंने अपना मकान तोड़वाया है, क्योंकि आपके कहने पे मैंने इन लोगों को रिश्वत नहीं दी, MCD वालों को रिश्वत नहीं, मना कर दिया, क्योंकि आपने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो बिल्कुल भी रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। कल नई नीम खोदो, आप मकान बनाओ, ये दोनों आएंगे, पुलिस भी आएगी, दोनों आएंगे, प्रूफ सामने मिलेगा। मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से भी कहना चाहूँगा कि आपको प्रूफ के प्रूफ मैं दूंगा आपको, वहाँ मकान कल किसी से द्वारा बनवाइए, वो लोग आएंगे वहाँ पे आके खुलेआम पैसे, MCD के कर्मचारी भी आएंगे वहाँ पे खुलेआम पैसे मांगेंगे, दोनों मिलके आते हैं, इन्होंने टीम बना रखी है, पुलिस ने, MCD कर्मचारियों ने, और ये रामा विहार के अंदर ये बहुत खतरनाक सिस्टम है, किसी से नहीं डरते, क्योंकि साथ में ये भी बोलते हैं कि जहाँ आप कंप्लेंट करोगे हमारा पैसा वहाँ तक जाता है, ये पुलिस अधिकारी कहते हैं, ये बिल्कुल, और MCD, हाँ दोनों कहते हैं। क्योंकि मैं श्याम सुंदर, मैं एफ ब्लॉक रामा विहार से बोल रहा हूँ, मेरा मकान एफ ब्लॉक रामा विहार में बना रहा था मैं, और बड़ी मेहनत मजदूरी करके मैंने पैसे जोड़ के ये मकान बना रहा हूँ, तो ये MCD वाले और पुलिस वाले मिल के रिश्वत मांग रहे थे मेरे से, मैंने रिश्वत इन लोगों को नहीं दी, और न देने के कारण इन्होंने इसको जो मेरे मकान को तोड़ दिया पूरे को, और बोल गए कि 80,000 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे, अगर आप नहीं देते हो 80,000 रुपये तो अगले 2 से 4 दिन के बीच में हम दोबारा बिल्डोजर लेके आएंगे और इस मकान को तोड़ देंगे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, LG साहब से, शासन से, प्रशासन से, MCD से, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मेरी मजदूरी का मेहनत का पैसा है, मेरे मकान को बचाइए, कि आगे से ये बिल्डोजर इस पर ना चलाएँ और बिल्डोजर से मेरा मकान नहीं तोड़ें, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, देखिए मेरी बात पर गौर करिए, MCD अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या इलीगल है मेरे इसमें, मैं दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें क्या इलीगल है मेरे मकान पे, मुझे बताइए कारण, बताइए क्यों तोड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। हाल फिलहाल मैं राजधानी दिल्ली के रामा विहार एफ ब्लॉक में खड़ा हूँ, और यहाँ पर MCD और दिल्ली पुलिस मिलकर खुलेआम धांधली कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी मकान बनाता है उसे या तो 80,000 रुपये देने पड़ते हैं पुलिस और MCD को, और अगर वो नहीं देता तो जैसा कि आप घर देख पा रहे हैं, इस घर को तोड़ दिया गया है। हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं, और ये देखिए, यहाँ पर इस घर के अंदर कुछ भी इलीगल तरीके से नहीं हो रहा है, पूरी कंस्ट्रक्शन जो है वो लीगल है, और घर के जो मालिक हैं उन्होंने बताया है कि MCD के अधिकारी पुलिस के साथ आते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये दीवार तोड़ दी गई है, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक ईमानदार आदमी, एक टैक्स पेयर जब रिश्वत नहीं देता, जब बेवजह पैसा नहीं देता 80,000 रुपये, तो उसका घर तोड़ दिया जाता है। ये देखिए, ये सारी कंस्ट्रक्शन हम आपको दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये काम रोक दिया गया है, और MCD के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर, जो कि राउंड पर रहते हैं, ये धमकी दी है कि अगर 80,000 रुपये नहीं दिया गया तो फिर बुलडोज़र लेकर आएंगे। श्याम जी क्या काम करते हैं? मैं अपना कैटरिंग का काम करते हैं। अच्छा, ये कैसे क्या हुआ, मतलब ये जब से मैंने नीम खोदना चालू किया, जब से पुलिस और MCD के लोग आने चालू हो गए हमारे पास, और बोलने लगे आप मकान बना रहे हो तो आप 80,000 रुपये लगेंगे आपसे, और नहीं दोगे तो मकान को नहीं बनाना। फिर भी हमने इसको दरकिनार करा, और हम बनाते बनाते यहाँ तक आ गए, एक लेंटर हमने डाल दिया। फिर लेंटर वाले दिन रोकने आए हमको, हम नहीं रुके, हमने कहा हम रिश्वत नहीं देंगे, हमारी मेहनत की कमाई है, वो मजदूरी करके हम खाते हैं, हम कोई चोर नहीं है, क्योंकि या कोई इलीगल है तो मुझे बताइए, हमने अपना मकान खरीदा हुआ है। तो इन्होंने लोगों ने फिर उसके बाद चले गए हैं, और फिर बिगर बताए एक दिन आए 23 तारीख को, वो 21/3/2023 को, और पुलिस और MCD कर्मचारी मिल के आके हथौड़ा बजा के इसको तोड़ के चले गए। बोले अभी भी टाइम है, हम बिल्डोजर लेके नहीं आए, आप 80,000 रुपये नहीं दोगे तो अगली बार हम बिल्डोजर चलाएंगे इसके ऊपर। ये छुपकर पैसा मांगते हैं या खुलेआम मांगते हैं? खुलेआम गलियों में, किसी को पूरी कॉलोनी में पूछोगे तो खुलेआम मांगते, कोई डर नहीं है, क्योंकि जब से ये MCD बदली है, आम आदमी पार्टी आई है MCD में, जब से हो रहा है, उससे पहले कोई पैसा नहीं रामा विहार में लेता था, ये आम आदमी पार्टी आने के बाद ये 2 महीने से सबके साथ हो रहा है, किसी कॉलोनी में पूछो घूम घूम के पैसे मांगते हैं वो। देखिए, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं कि घर बनाना है तो पैसे दो, नहीं तो आएंगे और हथौड़ा लेकर तोड़ जाएंगे, और अगर हथौड़े से नहीं टूटा तो फिर बुलडोजर लेकर आए। जो लोग आते हैं, हाँ, कोई नाम पता है आपको?
नाम उनका नहीं जानता, प्लेट पुलिस की नीचे होती है। अच्छा, नेम प्लेट कभी सीधी नहीं होती। एमसीडी अधिकारी का नाम थोड़ा बहुत याद? अधिकारी नाम नहीं बताया मैंने, पूछा उन्होंने, बार बार रिक्वेस्ट करी कि किस कारण आप तोड़ रहे, कोई नोटिस, कोई वारंट, कोई इल्लीगल कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया मेरे। पुलिस अधिकारी और जो एमसीडी के अधिकारी आते हैं, इनकी तस्वीर दिखाऊं तो आप पहचान जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पहचान जाएंगे, जरूर पहचाने, बिल्कुल जरूर पहचानूंगा मैं। देखिए, जो लोग वसूली कर रहे हैं, जो लोग गरीब आदमी जो कि अपना घर पता नहीं किस तरह से बनाता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है, उससे बेवजह की वसूली कर रहे हैं बदमाशों की तरह, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये राजधानी दिल्ली है जिसकी सड़कों की बात की जाती है कि पेरिस जैसी बना दी गई हैं और बहुत विकास है, लेकिन धरातल पर देखिए, रामा विहार एक इलाके में हम खड़े हैं, वहाँ पर एक शख्स को अपना मकान बनाने के लिए 80,000 रुपये पुलिस और एमसीडी को देने हैं, अगर वो नहीं देगा तो मकान नहीं बनेगा। आपने किसी लीगल अथॉरिटी से कंप्लेंट करी? हाँ जी, करी थी। जब जिस दिन नीम खोदी थी, जब ये लोग आए थे, नीम खोद से समय ही आ गए थे कि भाई मकान बनाओगे तो इतना देना पड़ेगा, मैं उसी दिन समझ गया था, उसी दिन मैंने इनकी कंप्लेंट डाल दी थी, 2-3 महीने पहले डाल दी थी, पुलिस अधिकारी को भी दी, पुलिस कमिश्नर को भी, डीसीपी साहब को भी। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। कहाँ पर आपने कंप्लेंट दी, कौन से पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन में नहीं दी, इनकी ऑनलाइन मैंने कंप्लेंट दी थी, ऑनलाइन कमिश्नर को जो है मेल किया था, और डीसीपी को भी मेल किया था, और एमसीडी के कमिश्नर को भी मेल किया था। अच्छा, जो इन्होंने सीसीईसी एंटी करप्शन का एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया है, उनको भी मेल किया था जी। और दोनों जगह से आज तक मुझे, मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया, मेल की मेरे पास प्रूफ है। बोला मकान बनाना है तो पैसे देने पड़ेंगे, बात खत्म, ये तो देने ही पड़ेंगे आपको, नहीं मकान नहीं बनाओ, कल नई नीम खोदो आप मकान बनाओ, ये दोनों आएंगे, पुलिस भी आएगी, दोनों आएंगे, प्रूफ सामने मिलेगा। मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से भी कहना चाहूँगा कि आपको प्रूफ के प्रूफ मैं दूंगा आपको, वहाँ मकान कल किसी से द्वारा बनवाइए, वो लोग आएंगे वहाँ पे आके खुलेआम पैसे, एमसीडी के कर्मचारी भी आएंगे वहाँ पे खुलेआम पैसे मांगेंगे, दोनों मिलके आते हैं, इन्होंने टीम बना रखी है, पुलिस ने, एमसीडी कर्मचारियों ने, और ये रामा विहार के अंदर ये बहुत खतरनाक सिस्टम है, किसी से नहीं डरते, क्योंकि साथ में ये भी बोलते हैं कि जहाँ आप कंप्लेंट करोगे हमारा पैसा वहाँ तक जाता है। ये पुलिस अधिकारी कहते हैं ये, बिल्कुल, और एमसीडी, हाँ दोनों कहते हैं, क्योंकि, और ये सच भी हुआ हमारे मामले में, सच इसलिए हुआ कि हमने 3 महीने पहले कंप्लेंट करी, उस पर अमल नहीं हुआ, इससे डाउट होता है कि सब मिले हुए हैं। देखिए, ये रामा विहार इलाका है और ये बाहरी दिल्ली के क्षेत्र में आ जाता है, बवाना, रामा विहार, नरेला, जैन नगर, बेगमपुर, बुद्ध विहार, रोहिणी। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर अब आपके पास एमसीडी से कोई आता है और आपसे ये कहता है कि पैसे दोगे तो मकान बनेगा, और पुलिस अधिकारी सामने आता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें बताइए, हम ऑन द स्पॉट आएंगे, जब पैसे मांग रहे होंगे तब हमें बताइए, हम तब उस वक्त जगह आएंगे जब ये लोग हथौड़े चला रहे होंगे तब आएंगे, लेकिन आप बताइए, जागरूक होइए, क्योंकि एमसीडी में जो घोटाले चल रहे हैं, जो करप्शन चल रही है, जो आम आदमी का खून चूसा जा रहा है, वो सामने आए, और इसके लिए आपको अपने अंदर से डर निकालना होगा, क्योंकि आप पैसे दे देते हैं तो इनके हौसले बढ़ जाते हैं, ये हर शख्स से पैसे मांगते रहते हैं। आपको कभी ये डर नहीं लगा कि मैं पैसे नहीं दूंगा तो चलो दे देता हूँ काम चल जाएगा? मुझे डर इसलिए नहीं लगा, केजरीवाल जी ने बोला था अभी प्रेजेंट में कि कोई भी हमारी सरकार आम आदमी की बनेगी तो आपसे लेंटर माफिया से छुटकारा मिलेगा, कोई लेंटर के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उन्हीं की हिम्मत करके, केजरीवाल जी ने ये बोला, उन्हीं की हिम्मत करके आज मैंने अपना मकान तोड़वा लिया, उन्हीं के कहने पर। अगर उनकी बात नहीं मानता मैं, इनको रिश्वत दे देता तो मेरा मकान आज नहीं टूटता केजरीवाल जी, ये सिर्फ ओनली आपके कहने पर ही मैंने अपना मकान तोड़वाया है, क्योंकि आपके कहने पर मैंने इन लोगों को रिश्वत नहीं दी, एमसीडी वालों को रिश्वत नहीं, मना कर दिया, क्योंकि आपने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो बिल्कुल भी रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। देखिए, ये एक बड़ा इशू है, और इस रामा विहार के अगर निगम पार्षद भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके संज्ञान में भी ये बात आनी चाहिए कि आपको अगर जनता ने चुना है, अगर सत्ता दी है, एमसीडी में स्थान दिया है, तो इन चीज़ों का निराकरण आपको करना होगा, और ये मेक श्योर करना होगा कि मकान बनाने वाले लोगों से अवैध वसूलियाँ ना की जाए। ये माफिया नहीं है, ये कोई गुंडा राज नहीं है जो पैसे मांग रहा है, ये ऑथेंटिक जो अधिकारी हैं एमसीडी के, वो आकर पैसे मांगते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है, हम सभी के लिए शर्मनाक है, उन अधिकारियों के लिए शर्मनाक है जिनको कंप्लेंट की गई लेकिन जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कोशिश करेंगे कि इस बात को आगे पहुंचाएं। श्याम सुंदर जी, क्या कहना चाहेंगे, मतलब अपनी कंप्लेंट के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने आपसे शिकायत करी थी केजरीवाल जी से, और अपनी जो है मेयर साहब हैं अभी निगम पार्षद की, वो नगर निगम की, शैली ओबराय जी, कि आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ये सच्चाई है, आप देखिए मेरी बात पर गौर करिए, हमने आपके कहने पर ही इनको पैसे नहीं दिए, और उसका नतीजा ये है कि आपके कहने के अनुसार ही मेरा लेंटर टूटा है। क्यों, अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी होती
तो मेरा बच जाता। मैंने आपकी बात मानी, आपने कहा था कि कोई लेंटर माफिया दिल्ली में नहीं पनपेगा और एमसीडी में हमारी सरकार आएगी, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, इनसे डरने की जरूरत नहीं, भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालो। ये भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालने की आप जो बात करते हैं, उन्होंने मेरा ये सारा कर दिया, आप मैं कैसे आपकी बात पर अमल करूं? ये उम्मीद करते हैं कि एमसीडी अधिकारी, दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के संज्ञान में ये बात आएगी और उन सभी लोगों पर कार्रवाई होगी जो रामा विहार इलाके में खुलेआम 80-80 हज़ार रुपये मांग रहे हैं एक लेंटर डालने के, और कहा जा रहा है कि स्थानीय पुलिस के कुछ कर्मचारी भी उनमें शामिल हैं और उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मिलकर टीम बना रखी है जी, टीम बना रखी है। उस दिन भी मेरा मकान तोड़ने के लिए आए तो इनके पास मैंने डॉक्यूमेंट मांगा, रिक्वेस्ट करी, कोई नहीं दी। उससे पता लगता है इलीगल तरीके से बगैर कोई सूचना के, बगैर मजिस्ट्रेटी ऑर्डर के मेरा मकान तोड़ के गए। श्याम सुंदर जी देखिए, हम इतना कह सकते हैं वसूली का दबाव बनाया, अगर हम आसपास रहे और आपको अगर दोबारा परेशान करने के लिए वसूली के तौर पर ही आते हैं तो हम डेफिनेटली उस टाइम आएंगे, है ना। हम अपना नंबर इन्हें दे देंगे और अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर हमारा मिलेगा। अगर परेशान करती है एमसीडी तो हमें बताइए, हम ये जनता के सामने लाएंगे और पूरी पोल खोली जाएगी कि किस तरह से एक आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। हाल फिलहाल मैं गुलशन वर्मा, रामा विहार से, देखते रहिए अर्पण।